हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर फॉर रूबी स्टाइल प्लेस। और मैं हूँ रूबी, और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ करवा चौथ का स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले से मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मेकअप ट्यूटोरियल को क्रिएट करने के लिए मैंने पहले लिया है गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम, और उसको अपने फेस पे लगा के अच्छे से अप्लाई कर लूंगी एज ए मॉइस्चराइजर। अच्छे से एक मिनट तक ब्लेंड करेंगे ताकि स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है किस ब्यूटी का आल रेप प्राइमर, और उसको भी अपने फेस पे लगा के अच्छे से अप्लाई कर लूंगी ताकि जो फाउंडेशन वगैरह हमारी स्किन को हार्म ना करे, तो इसलिए प्राइमर मस्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है, जब तक हमारा प्राइमर सूख रहा है तब तक हम अपना आई मेकअप क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एनवाईबी का कंसीलर, और उसको अपने आईज पे लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। पहले मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया हूँ, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर को लेके अच्छे से अपने कंसीलर को सेट कर लेंगे ताकि जो डार्क सर्कल वगैरह ना दिखे और जो हमारा आई शेडो है अच्छे से उभर के आए। इसके लिए कंसीलर लगाना जरूरी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है लॉरियल का मिनी आई शेडो पैलेट, और उसमें से लिया है मैंने ब्राउन कलर का शेड, और उसको अपने आउटर बीप्स लगाते हुए अपने क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग यहाँ पर मस्ट है, जब तक ब्लेंड करेंगे तब तक हमारा जो आई शेडो है अच्छे से मिक्स ना हो जाए और जो हमारा आई मेकअप है पैची ना दिखे, अच्छा सा कलर आ जाए, तो इसलिए हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ब्लेंडिंग में टाइम देंगे। उसके बाद मैंने फिर से वही वाला कंसीलर लेके अपने एक फ्लैट ब्रश की मदद से अपने आईलिड पे लगा लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हुडा ब्यूटी के आई शेडो पैलेट में से, मैंने यहाँ पे मरून कलर का सेट लिया है, उसको अपने आईलिड सेंटर एरिया पे लगा लेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो कोई भी ड्राई पैसेस ना रह जाए और जो हमारा आई शेडो है एकदम क्लीन लगे, ये नहीं कि लगे कि थोपा थोपा सा लगे। तो जब तक लगाएंगी मैं आई शेडो को जब तक मेरे को डिजायर कलर ना मिल जाए मेरा। उसके बाद मैंने सेम पैलेट में से ग्लिटरी सेट ले लिया, ये भी मरून कलर का मिक्स है, तो उसको मैं अपने लगा आई लिड पे सेंटर एरिया पे अच्छे से लगा लूंगी एक 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 पतले ब्रश की हेल्प से ताकि हमारा जो है ग्लिटर हर जगह पे अच्छे से लग जाए, इसलिए पतला ब्रश ले लेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एनवाईबे का लाइनर, और उसको मैं अपने आउटर बीप से लगाते हुए इनर बीप सॉरी आईलिड पे अच्छे से लगा लूंगी। और नॉर्मल लाइनर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, ज्यादा ब्रॉड नहीं लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने विंग आईलाइनर लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है किस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर, और सॉरी स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर, और उससे मैं अपने आईब्रो को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मैक का फाउंडेशन, और उसको मैं अपने डॉट डॉट करके लगा के अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी।
अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई ड्राई पैसेस ना रह जाए और हमारा जो फाउंडेशन है एकदम पैसी ना दिखे, तो इसलिए अच्छे से ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग, जितना ब्लेंड करेंगे उतना आपका जो मेकअप है वो अच्छा दिखेगा और जल्दी काला भी नहीं होगा, तो इसलिए ब्लेंडिंग मस्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेम कंसीलर लगा के अपने हाइलाइटेड एरिया को हाइलाइट कर लिया है और उसको मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने आईब्रोज के ऊपर भी लगा लिया है ताकि जो हमारा आईब्रो लुक है वो सार पाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है किस ब्यूटी का कंसीलर कंटूरल पैलेट और उससे मैं अपने कंटूर कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सीधे सीधे ब्लाइंड कर दूंगी ताकि जो हमारा कंटूर अच्छे से शार्प नजर आए। उसके बाद मैंने नोज पे भी कंटूर किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पर्पल का कॉम्पैक्ट और उससे मैंने अपने कॉन्टोर के नीचे लगा लिया है ताकि जो हमारा कॉन्टोर का शेप अच्छा है। उसके बाद मैंने ऊपर भी लगा लिया है अपने। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है स्टेक वर्की का हाइलाइटर और उसको मैंने जहाँ जहाँ आईब्रोज के नीचे चीक फोरहेड जहाँ जहाँ मेरे को हाईलाइट करना है वहाँ पर लगा के मैं ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर दे रही हूँ। ये लिक्विड हाइलाइटर है, बहुत ही अच्छा है। फिर मैंने ब्रश यहाँ पे ब्लश के लिए लिया है थोड़ा सा ऑरेंजेस शेड जो कि हमारा आई शेडो है उसी को मैंने थोड़ा सा ले लिया है और उसको मैं अपने चिक्स पे लगा ले रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो अच्छे से मैंने देर तक ब्लेंड किया है तो फिर नॉर्मल कलर आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एनवाइबे का लिपस्टिक जिसका शेड मैरून है और उसका शेड नंबर मुझको याद नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी प्रोडक्टों की लिंक डाल दूंगी, आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना बचा हुआ आई मेकअप कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है सेम कलर का मरून शेड और उसको अपने लोअर आईलेस पे लगा लिया है अच्छे से। यहाँ पे मैंने काजल का यूज़ नहीं किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल का मस्कारा यूज़ किया है। उसके बाद सेम स्मूली की हेल्प से मैंने अपने आईब्रोज को फिर से सेट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एनवाईबे का मेकअप फिक्सर लेके अपने मेकअप को फिक्स कर लिया है। तो ये मेरा करवा चौथ मेकअप लुक फिनिश है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। आप लोग कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये मेकअप कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, आई लव यू, सी यू सून।